अस्सलाम वालेकुम गाइस, एप्पल ने आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिए हैं। इसके साथ साथ एप्पल की नई स्मार्ट वॉच और इसके साथ साथ एप्पल के नए एयरपॉड्स प्रो 2 भी लॉन्च कर दिए हैं। इन सारी चीज़ों में से सबसे बड़ा जो लॉन्च किया गया है वो है आईफोन का, जिसमें इस बार आपको 4 आईफोन देखने को मिलते हैं, जिसमें आईफोन 14, 14 प्लस, 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स देखने को मिले हैं। इस बार एप्पल ने आईफोन मिनी को स्किप करके उसकी जगह आईफोन 14 प्लस को ऐड कर दिया, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। आईफोन 14 और 14 प्रो की 6.1 इंचेस की स्क्रीन है और आईफोन 14 प्लस की और 14 प्रो मैक्स की 6.7 इंचेस की स्क्रीन है, जिसका डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त है। इस नए आईफोन 14 में 20% बेटर बैटरी दी गई है, 1200 निट्स की ब्राइटनेस है और वही पुराना चिपसेट यूज़ किया गया है, जो कि एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट था, जो कि काफ़ी कैपेबल चिपसेट था। इस बार आईफोन 14 में प्रोसेसर में कोई अपग्रेड नहीं किया गया। आईफोन 14 और 14 प्लस देखने में काफ़ी हद तक सिमिलर है, वही सेम कैमरा स्टाइल है और साइड्स भी सेम है, फ्रंट भी सेम है और वही सेम नॉच आपको देखने को मिलती है और हल्की सी डिस्प्ले में इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। जैसे लास्ट अपग्रेड में से एप्पल ने चार्जर्स को रिमूव कर दिया था, इसी तरह इस अपग्रेड में भी एप्पल ने आईफोन्स में से सिम ट्रेस को रिमूव कर दिया है। US मॉडल्स में आपको सिम ट्रेस नहीं दी जाएगी। अगर आप US में आईफोन्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ई सिम ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक काफ़ी एक्साइटिंग भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इसके अलावा आईफोन 14 में क्रैश डिटेक्शन का फीचर ऐड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। मतलब कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपकी कार क्रैश कर जाती है तो आपका मोबाइल इमरजेंसी कॉलिंग कर सकता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल फीचर साबित हो सकता है। इस बार जो आईफोन में सबसे बड़ा अपग्रेड किया गया है वो है कैमरे का। आपको बैक साइड पे 2 12 मेगापिक्सल के सेंसर देखने को मिलते हैं f1.5 अपर्चर के साथ और एप्पल एम कर रहा है कि आपको 49% बेटर लो लाइट इमेजेस देखने को मिलेंगी। नाइट मोड को 2 times इम्प्रूव कर दिया गया है और एप्पल ने अपना फोटोनिक इंजन डेवलप किया है, जिसमें कि एप्पल एम कर रहा है कि 2 times फ्रंट कैमरा को इम्प्रूव किया गया है और 2 times अल्ट्रा वाइड कैमरा को इम्प्रूव किया गया है और इसके साथ साथ मेन प्राइमरी कैमरा को 2.5 times इम्प्रूव किया गया है, जिसमें इमेज की लाइटिंग और डिटेल्स में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ा अपग्रेड है। इस बार जो आईफोन 14 में कैमरास में अपग्रेड्स किए गए हैं वो काफ़ी ही एक्सट्रीम लेवल अपग्रेड्स थे। जैसे कि आपको पता है कि आईफोन के फ्रंट कैमरास काफ़ी डिसेंट से रहे हैं, इस बार आईफोन में आपको एक एक्शन मोड का फीचर दिया जाता है। मतलब कि अगर आपकी वीडियो शूट करते हैं और आपकी वीडियो में काफ़ी शेक्स हैं, आपकी वीडियो स्मूथ नहीं है, तो उसमें आपको एक्सेसिबिलाइजेशन मिलती है, जिसकी मदद से आपकी जो वीडियो है वो आपको स्मूथ ही मिलती है। इस बार आईफोन में जो सबसे मज़ेदार फीचर ऐड किया गया है वो ये है कि अगर आप कहीं खो जाते हैं या कहीं पहाड़ वगैरह पे और आप कहीं फंस गए हैं तो आपका जो आईफोन है वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है और अगर आप उसे अपनी लोकेशन सेंड करते हैं तो आप तक जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं या जो भी सर्विसेज हैं वो आप तक फौरन पहुंचाई जाती हैं और अभी तक ये सर्विस कनाडा और US में ही अवेलेबल है। आपको एक मजे की बात बताता हूं, इन 4 फोन्स में जो प्रो सीरीज है और जो 14 सीरीज है, इन दोनों सीरीज में सबसे बेस्ट बैटरी प्रो सीरीज की नहीं बल्कि आईफोन 14 प्लस की है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी कम पावर हंग्री है और इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी कम बैटरी लेता है और ये वैसे भी एक काफ़ी हल्का सा स्मार्टफोन है, पर इसकी बैटरी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा है, इवन प्रो मैक्स से भी काफ़ी ज़्यादा। आप अगर प्रो सीरीज पे आ जाएं तो इसमें आपको स्क्रीन पे काफ़ी मज़ेदार सा कटआउट देखने को मिलता है, जिसको एप्पल ने डायनेमिक आइलैंड का नाम दिया है। आईफोन 14 और 14 प्लस में काफ़ी सारे कलर्स आ रहे हैं, जिसमें ब्लैक है, वाइट है, लाइट ब्लू है, लाइट पर्पल है और जो प्रोडक्ट रेड वाला एडिशन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रेड कलर का है। इसके अलावा अगर प्रो सीरीज पे आ जाएं तो उसमें भी आपको 4 कलर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एक बिल्कुल मैट ब्लैक है, वाइट है, गोल्डन है और एक बिल्कुल डीप पर्पल कलर है। प्रो सीरीज में सबसे ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग डायनेमिक आइलैंड लगा, उसमें आपको कैमरा सेंसर दिया गया है, उसके अलावा 2 sensors और हैं जो कि स्क्रीन के पीछे हैं, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें ओपन हो जाती हैं। उसके अलावा डायनेमिक आइलैंड काफ़ी सारी ऐप्स के साथ इंटीग्रेटेड है, उसमें आप अगर अलार्म क्लॉक ओपन करते हैं तो वो भी आपको डायनेमिक आइलैंड में एनिमेट होकर शो होगी। उसके अलावा अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हैं तो वो भी आपको डायनेमिक आइलैंड में शो होगा। उसके अलावा अगर आप फेस आईडी यूज़ करते हैं तो वो भी वही डायनेमिक आइलैंड एक्सपेंड होकर एक बॉक्स में एनिमेट होगा और काफ़ी एक अच्छे लुक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप एक टाइम पे 2 apps रन कर सकते हैं और ये डायनेमिक आइलैंड आईफोन में काफ़ी मज़ेदार लुक ऐड करता है और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फील जो है वो ऐड करता है आईफोन में। इसके अलावा आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर ऐड किया गया, मतलब डिस्प्ले की ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली लो हो जाती है और
आपकी स्क्रीन जो है वो ऑफ नहीं होती और आप उसे पड़े पड़े भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम। लेकिन इसमें काफ़ी सारे लोगों को ये डर है कि कहीं ये फीचर ज़्यादा बैटरी तो नहीं यूज़ करेगा, अदरवाइज़ ये फीचर काफ़ी कूल है। इसके अलावा अगर डिस्प्ले पे आ जाएं तो आईफोन में इस बार आपको आज तक का सबसे ब्राइटेस्ट डिस्प्ले दिया गया है जो कि 1600 निट्स ब्राइटनेस तक जा सकता है। इसके अलावा आउटडोर्स में कुछ कुछ एरियाज में ये 2000 निट्स ब्राइटनेस तक जा सकता है और अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो ये आपको 1 हर्ट्ज तक डिस्प्ले प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी कम बैटरी यूज़ करेगा। प्रो सीरीज में एप्पल ने अपनी नई A16 बायोनिक चिप ऐड की है जिसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। इसमें 6 कोर CPU है, 16 कोर का न्यूरल इंजन है और 5 कोर GPU है जो कि गेमिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है और ये पुराने वाले चिप से अपग्रेड है। अब अगर सबसे बड़े अपग्रेड की बात करें तो इस बार जो आईफोन में सबसे बड़ा अपग्रेड किया गया है वो है कैमरे का। अगर आप कैमरे को बैक साइड से देखेंगे तो इसमें आपको ज़्यादा कोई अपग्रेड फील नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में इस बार 12 मेगापिक्सल को हटा के उसकी जगह 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर ऐड किया गया है और बाकी तो 12-12 मेगापिक्सल के सेंसर ऐड किए गए हैं। ये एक 65% लार्जर सेंसर है, 2 गुना बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस है और एक 2x टेलीफोटो की भी आपको ऑप्शन मिल जाती है क्योंकि ये एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है और अगर आप फोटो क्रॉप करके भी क्लिक करोगे तो वो आपको 2x में ही मिल जाएगी। इसके अलावा आप अभी भी वाइड एंगल में मैक्रो फोटो क्लिक कर सकते हैं। वैसे ये सेंसर है तो 48 मेगापिक्सल का, लेकिन अगर आप नॉर्मल फोटो क्लिक करेंगे तो वो आपको मिलेगी 12 मेगापिक्सल की ही। लेकिन अगर आप 48 मेगापिक्सल में पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रो मोड में जाकर पिक्चर क्लिक करनी होगी, तभी आपको 48 मेगापिक्सल में पिक्चर मिलेगी। एप्पल ने एक प्रो रॉ का मोड ऐड कर दिया जिससे कि आप काफी डिटेल में और डेप्थ में पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लिए आप एक्शन मोड को यूज कर सकते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन दी जाती है। इसके अलावा सिनेमैटिक मोड में आप 4K में भी वीडियो शूट कर सकते हैं। इस बार जो सबसे बड़ा अपग्रेड किया गया है वो डिटेलिंग में। इस बार डिटेलिंग में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। आप अगर कोई पिक्चर्स क्लिक करते हैं और अगर आप उन्हें जूम करके देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा डिटेलिंग और काफी ज्यादा डेप्थ नजर आएगी और इवन फ्रंट कैमरा में भी आपको काफी ज्यादा डिटेलिंग और काफी ज्यादा डेप्थ आपको देखने को मिलती है। आपको फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस की ऑप्शन मिल जाती है, अगर आप एक से ज्यादा लोग हैं तो ये फौरन आपको फोकस में ले लेगा। फ्लैश को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है और फोटोनिक इंजन से लो लाइट परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट्स आ जाती हैं जो कि आपको इन चारों मॉडल्स में देखने को मिलती हैं। सो गाइस, आप अगर प्राइस की बात करें तो आईफोन 14 की जो प्राइस एप्पल की वेबसाइट पे है वो है $800 और 14 प्लस की जो प्राइस है वो है $900। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में आईफोन 14 परचेज करना चाहते हैं तो वो आपको प्री ऑर्डर पे 4.5 लाख रुपए का कॉस्ट करेगा जो कि काफी ज्यादा प्राइस है। सो आईफोन 14 की स्टार्टिंग प्राइस 4.5 लाख रुपए है और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी फ़ोन्स की प्राइस कितनी ज़्यादा होगी। अगर आप 1 TB में कोई फ़ोन परचेज करते हैं तो वो आपको 5 लाख से लेके 7 लाख तक भी आपको कॉस्ट कर सकता है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।